वो कहती हैं कि शबनम जब हम शाहरुख खान से मिलने गए तो उनकी मोबाइल फ़ोन पे तुम्हारी रिंग टोन लगी हुई थी, दिल चीज़ें क्या जाना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने कहा शबनम को जाके बताएंगे। हमारे जो मुर्शिद उन्होंने मना किया कि इन चीज़ों को छुपा के रखना। हमारे साथ पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा नाम शबनम मजीद हमारे साथ मौजूद है, किसी भी तारुफ की ये मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ये अवार्ड मिला है। वैसे तो आपको अवार्ड मिलते ही रहते हैं, लेकिन मुबारक हो आपको। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप हमें सबसे पहले अपने सफर के हवाले से बताइए कि आपने अपने सफर का आगाज कैसे किया था, किस तरह आप गुलूकारी की दुनिया में आ पाई थी। मैं 7 साल की थी और पहला जो प्रोग्राम था मेरा वो PTV पे था, रिश्मा एक प्रोग्राम चलता था बच्चों का, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और एज अनात खान मैंने अपने करियर का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑल पाकिस्तान स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था अनात खान का, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला और उसी जो मेरी पोजीशन आई थी उसी को देखते हुए PTV ने उसको कवर किया और फिर मुझे बच्चों के प्रोग्राम में चांस मिला। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परफॉर्मेंस आप बताएं जिसको समझने के बाद आप समझ नहीं होगा, इसके बाद आपकी शोहरत बुलंदियों पर पहुंची, लोगों में आपकी पहचान बनी, शोहरत मिली आपको, उस वाक्य के वाले से भी बताएं, कौन सा गाना था? जी, एक गाना था जिसे मैंने पाकिस्तान में विद क्लिक रिकॉर्ड किया, इंग्लैंड में बाली सागू जो कि इंडियन कंपोजर है उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रिमिक्स किए, वी चैलेंज चार्ट में 40 टॉप में, जिसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, बहुत सारे बड़े नाम थे, उसमें मेरा उर्दू गाना शामिल हुआ और 1 साल नंबर 1 रहा। अच्छा, उसके बाद आपकी शोहरत जो सी उसमें जी, दिल चीज है क्या जाना, ये जा भी तुम्हारी है, अच्छा, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आमतौर पर जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, किसी भी बड़े नाम को आप उठा लें, वो अपना माजी नहीं भूलते, वो लाजमी ये चीज़ें शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैंने गुर्बत में, मेरे पास किराया नहीं था, ये नहीं था, जूती नहीं थी। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या मुतवासित तबके का था या आप ठीक ठाक पीछे से पैसे वाली थी? अल्हम्दुलिल्लाह जब आँख खुली तो वालदैन ने इसी तरह से पाला जैसे एक माँ बाप, अच्छे माँ बाप जो हैं अपनी औलाद को पालते, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं, मुझे याद है कि 6th class में मैं फर्स्ट आई थी तो मेरी मदर ने मेरे लिए सोने का ताज बनवाया था और आर्टिफिशियल थे, कुछ टॉप्स थे मुझे याद अभी तक, एक रिंग थी, तो मैंने कहा अम्मी जी मुझे ये बहुत पसंद है, तो मेरी माँ ने वो गोल्ड में बना के दिए थे, गोल्ड में बना कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि शुरू से पैसे वाले थे आप? नहीं, पैसे मतलब उस तरह से पैसा नहीं, मैं तो पैसे को वैसे अहमियत भी नहीं देती हूँ, पैसा ज़रूरत है, ज़िंदगी ज़रूर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मोहब्बत है और जो इज़्ज़त है जो आपको मिलती है लोगों से वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। क्योंकि हमारे साथ आप ऐसा वाक्य शेयर करेंगे कि जिसमें ज़िंदगी में जो आज भी आप सोचती हूँ, मतलब बेशुमार ऐसे कामयाब लोग हैं, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, कहते हैं कि यार हमारे पास हम चप्पल पहनने की चप्पल नहीं थी, कभी किराया नहीं था, कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा वाक्य नहीं, हर चीज़ फुलफिल होती रही है? इस तरह का कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में जो कमियां रह गई वो बड़ी जल्दी जल्दी कमियां ज़िंदगी में आना शुरू हुई, जैसे मेरी मदर की डेथ हो गई, वो बहुत बड़ा लॉस था, और मेरी मदर जो थी वो मेरी दोस्त भी थी और वैसे माँ तो माँ का तो के बारे में कोई फीलिंग भी जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते, उस वो फीलिंग ही कुछ ऐसी है कि वो उसके लिए लव्स शायद बनाए ही नहीं गए, जो लोग कहते हैं माँ का नेम उलबदल नहीं होता ये और वो, इससे बहुत ज़्यादा माँ की जो मोहब्बत है ना उसका मकाम बहुत बड़ा है, उसके लिए लव्स मैं समझती हूँ कि बने ही नहीं है। तो माँ और फिर उसके बाद हवाले साहब की डेथ हो गई, तो ये बड़े ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि जो बड़ी जल्दी जल्दी सहारा देने वाले रिश्ते थे, ये बहुत जल्दी चले गए। अच्छा, तो ये अपने हाथों में अंगूठियां पहनी हुई है, क्या पत्थरों पर आपको कुछ यकीन है या शोहरत में जो आपकी इजाफा करती हैं आप समझते हैं कि ये पत्थर जो उनसे ये भी कुछ वजह है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, जो पत्थर हैं ये मुझे पसंद है इस तरह की अंगूठियों में, और ये फकीर लोग जो हैं, दरवेश लोग, ये उनका पहनावा है, तो मेरी अंदर जो रूह है ना वो कुछ इसी तरह की है, ये मैं जो नज़र आती हूँ एक आर्टिस्ट मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी अंदर की जो रूह है ना वो बस फ़कीराना, और
क्या कहते हैं ये जो पत्थर होते हैं, आपको पता है इन्होंने भी कलमा पढ़ा हुआ है और कम्युनिकेट करते हैं इंसान जी बिल्कुल। और जब ये आपकी स्किन से टच होते हैं ना, तो आपके अंदर असरात जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और जो अकीक होता है वो आपको हादसों से महफूज रखता है। तो क्या ये आप सितारे अपने सितारे के साथ मैच करके पहनते हैं, या वैसे ही आप जो पत्थर पहना है वो हर कोई बंदा पहन सकता है? नहीं, ये जो मैंने पत्थर पहने ये हर कोई बंदा पहन सकता है। जो कीक आपने पहना जी बिल्कुल, सितारे के साथ मैच वाला कोई सिस्टम नहीं, ये कोई ऐसा आप इस चीज पे यकीन नहीं करते हैं? अगर सितारे के साथ मैच ना करो तो ये भारी पड़ सकता है? नहीं, ये एक ऐसा पत्थर है जो की इसमें सितारे के साथ मैच वाला कोई चक्कर नहीं। ये जैसे कहते हैं ना, हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए है। अच्छा, तो जिंदगी में ऐसा वाक्य हम देख रहे थे, आपके इतने ज्यादा मदा थे, मदा वगैरह गिफ्ट वगैरह क्या आपको बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया जो आज तक आपको याद हो? उनका प्यार ही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं गिफ्ट दे के। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का भी एक फरमान है कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो जहाँ तक तोहफों की बात है, तो अदील शबीर यूके में मेरे भाई हैं, और उनकी मोहब्बत, वो जो तोहफे होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि बेतहाशा कीमती हों। मैं समझती हूँ कि जो छोटे छोटे तोहफे भी होते हैं जिनमें बहुत मोहब्बत भरी होती है, उनकी कीमत बहुत आपकी ज़िंदगी में होती है। तो मैं अदील शबीर जो भाई है उनका ज़रूर यहाँ पे जिक्र करूँगी, वो यूके में होते हैं, तो उनकी मोहब्बत हर सूरत में मेरे साथ साथ है। तो आपका स्टार क्या है, स्टार पे बिलीव करते हैं? सितारों का चक्कर तो होता है, लेकिन मैं इस पर इतना ज़्यादा नहीं करती। फिर भी बताएं तो हमारे व्यूवर्स को कि आपका स्टार है क्या? मेरा जो स्टार है वो मैं एक्चुअली लोगों को बताती नहीं हूँ। अच्छा। इसलिए कि मुझे जो हमारे जो मुर्शिद हैं उन्होंने मना किया कि इन चीज़ों को छुपा के रखना। ये बात सही, ठीक है। इंडिया का भी चक्कर लगा हो, कोई ऐसा वाकया बड़े बड़े बॉलीवुड से बड़े नाम से मुलाकात हुई हो जिन्होंने आपकी तारीफ में कोई कलमात कहे वो भी सुनाते हैं हमें? हाँ, मैंने इंडिया में जाके परफॉर्म किया, और दिल्ली में बहुत वहाँ पे लोगों ने मोहब्बत दी। और उसके अलावा शाहरुख खान हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमें बहुत पसंद हैं, फ़ैन हैं उनके। तो हमारी एक है रूबी अनम साहिबा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट और बहुत प्यारी इंसान। वो कहती हैं कि शबनम जब हम शाहरुख खान से मिलने गए तो उनकी मोबाइल फ़ोन पे तुम्हारी रिंग टोन लगी हुई थी, दिल चीज़ें क्या जाना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने कहा शबनम को जाके बताएंगे। तो ये कहना मुझे बहुत खुशी हुई। तो अपने व्यूअर्स को भी कोई मैसेज देते हैं आप? बस मैं इतना कहूँगी कि आप अपनी मोहब्बत इस तरह से मेरे साथ रखें, और आपकी मोहब्बत इस तरह से मुझे मिलती रहेगी, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा गाती रहूँगी। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा है मुश्किल, खुलू का आ रहा है, बड़ा खूबसूरत गाती हैं, बड़े लोगों ने, सियासतदान हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, किसी ने आपको शादी का प्रपोज किया और ज़िंदगी में कभी? बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो रिश्ता लिखा होता है ना, वो आपके नसीब में वो आपको आपका वही होता है। तो क्योंकि ये फील्ड भी ऐसी है, और रिश्ते बहुत लोगों ने पूछे और पूछते हैं लोग, जब देखें आप शादीशुदा नहीं होते तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया।